सब मांगे पूरी हो जाए तो तमन्ना किसकी करोगे अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती है नमस्कार साथियों मैं हूं आचार्य राम मिश्रा अपने चैनल एस्टो आरबी में मैं आचार्य राम मिश्रा आप सभी साथियों का सभी दर्शकों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं साथियों आज का जो कार्यक्रम है विशेष खास होने वाला है क्या आपको पता है कि पांच मई 2023 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये जो चंद्रग्रहण है साथियों ये विशेष होने वाला है विशेष कैसे है कि इसका जो नाम है वो पेनम्ब्रा चंद्र ग्रहण है और पेनम्ब्रा नाम का जो चंद्रग्रहण है इसकी दोबारा कब युति आएगी 19 साल बाद यानी 2042 में यह दोबारा लगेगा तो साथियों ये जो पेनम्ब्रा नाम का जो चंद्र ग्रहण है इसकी खासियत एक है कि पहला तो क्या होना चाहिए पूर्णमासी होनी चाहिए यानी मेन क्या है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीत पर होने चाहिए तब जा करके ये चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण साथियों आप लोगों को कहानी पता ही होगी कि पहला जो शास्त्रोक्त मत है वो ये है राहु ने अमृत पी लिया था समुद्र मंथन हुआ तो उसे अमृत निकला और धोखे से जो है देवताओं की पंक्ति में राहु महाराज चले गए और थोड़ा सा अमृत पान कर लिया तब तक चंद्रमा और सूर्य की नजर पड़ गई तो इन्होंने ये सारा कर दिया भगवान विष्णु को और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ करके राहु की गर्दन काट दी तो उस बदले को पूरा करने के लिए ग्रषण करता है जैसे बीस अप्रैल को सूर्य ग्रहण था और अभी ये चंद्र ग्रहण है पांच मई को तो उस बदले को लेने के लिए राहु ग्रसित करता है चंद्रमा या सूर्य को तो साथियों ये जो सूर्य ग्रहण है ये विशेष होने वाला है किसके लिए लग रहा है किस राशि पे तुला राशि पे यह ग्रहण लग रहा है और तुला राशि के लिए बहुत खास होने वाला है तुला राशि की बल्ले बल्ले होने वाली है तुला राशि के लिए बहुत खास है लेकिन कब ध्यान रखिए साथियों यानी तब जब आप पूजा पाठ करें सूर्य का जाप करें और अपनी कुंडली का प्रदिक्शन करा करके उसमें कोई ग्रह कष्टी है उसको सही करके तब आपके लिए सही रहेगा और मेष राशि के लिए भी ये बहुत शुभ रहेगा और इसके साथ साथ में जो कष्टि है साथियों वो है वृक्ष राशि के लिए वृश्चिक राशि के लिए कर्क राशि के लिए और कन्या राशि के लिए इन राशियों के लिए विशेष कष्टी होने वाला है इन राशियों को होगी परेशानी और विशेषतर पंद्रह दिन तक यानी चंद्र ग्रहण के पंद्रह दिन तक बहुत दिक्कत रहेगी साथियों इसलिए जो है सतर्क रहें और भगवान सूर्य नारायण का जाप करें दिनेश आय नमा भानवे नमा भास्कराय नमा आदित्याय नमा रवे नमा भानवे नमा इस चंद्र ग्रहण का भले ही सूतक जो है भारत के लिए नहीं है बाह्य देशों के लिए है यहां पर ये जो ग्रहण है ये दृश्य भी नहीं है और इसका सूतक यहां पर नहीं है ये पूर्ण लगेगा साथियों पूर्ण चंद्रग्रहण है कहीं से चंद्रमा कटा हुआ नहीं दिखेगा पूर्ण चंद्रग्रहण ये रहेगा और ये जो चंद्रग्रहण है भारत के लिए इसका सूतक नहीं है बाह्य देशों के लिए इसका सूतक है तो साथियों ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इसको देखें और साथ साथ में जो है इसका पूजन जरूर करें यानी भले ही यहां पर सूतक नहीं है उस दिन मंदिर भी खुले रहेंगे और साथ साथ में जो है पूजा पाठ भी आप लोग कर सकते हैं लेकिन उस दिन का जो फल है जैसे मैंने बताया यानी और कर्क और कन्या राशि वालों के लिए जितना अधिक जाप करोगे उतना आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रहेगा आप लोगों की बिगड़ी बनेगी आप लोगों का कोई भी कार्य अधूरा है वो पूरा होगा आप लोगों के लिए जो है विशेषतर जिन माताओं के आ, संतान नहीं है वो माताएं इस दिन जाप करे ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो उनको दस गुना फल प्राप्त तो होगा जिनका करियर के लिए बहुत बड़ा व्यवधान है वो करियर के लिए जो है जाप करें यानी ओम एंग इंग चामुंडाई बिचेई नमः तो माता रानी आप पे कृपा करेगी जिन व्यक्तियों को व्यापार नहीं चल रहा है वो भी जो है जाप करें किसका बुद्ध ग्रह का जाप करें ओम बुंग बुदाई नमः जिन व्यक्तियों को जो है विदेश जाने की इच्छा है और वो नहीं जा पा रहे हैं तो वो जो है ओम ग्रांग इस मंत्र का जाप करें जिनका शनि कष्टी चल रहा है, जिन पे सनी की है वो करें की युति है बहुत अधिक लाभ देने वाली है आप लोगों का कल्याण होगा और भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कुंडली का प्रोडिक्शन जरूर कराएं यानी दुविधा में न रहें और टेंशन में ना रहे कोई भी कुंडली के अंदर आपको पता तभी लगेगा जब आप कुंडली को दिखाएंगे तो कुंडली आप लोग जरूर दिखाएं व्हाट्सएप करें और मेरा फेसबुक पेज आप लोग फॉलो जरूर करें और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को आप लोग जिन, जिन की ये राशियां हो उन उनको जो है वीडियो शेयर जरूर करें साथियों इस साल का पहला चंद्र ग्रहण बैसाख पूर्णिमा के दिन यानी मई की रात को लगेगा और मध्य रात्रि के बाद चंद्र ग्रहण समाप्त होगा यह चंद्र ग्रहण तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में आरंभ होगा साथियों और ग्रहण का मध्य एवं अंत विशाखा नक्षत्र में होगा इस चंद्र ग्रहण को भारत में आरंभ से लेकर अंत तक देखा जा सकेगा 5 मई की रात में लगने वाला चंद्रग्रहण सामान्य ग्रहण नहीं है बल्कि यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है ऐसे में ग्रहण के दौरान चंद्रमा को आप उदास और धूमिल अवस्था में देख पाएंगे लेकिन चंद्रमा का कोई भी भाग कटा हुआ नहीं दिखाई देगा चंद्र ग्रहण के दौरान मंगल और शुक्र दोनों ही मिथुन राशि में होंगे जबकि बुद्ध मेष राशि में होंगे ऐसे में मंगल और बुद्ध के बीच इस चंद्र ग्रहण के दौरान राशि परिवर्तन योग भी बन बना हुआ है ऐसे में ज्योतिषीय गणना यह बताती है कि चंद्र ग्रहण के बाद शेयर बाजार में उथल पुथल की स्थिति मचेगी महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होगी खिलाड़ियों के लिए चंद्रग्रहण शुभ रहेगा जबकि चंद्रग्रहण के एक हफ्ते के अंदर देश के कई भागों में वर्षा के योग बन रहे हैं आइए जानते हैं पाँच मई की रात लगने वाला उपछाया ग्रहण कैसा होगा चंद्र ग्रहण का समय और इसका राशियों पर कैसा प्रभाव होगा आइए इसे भी जान लेते हैं साल का पहला चंद्रग्रहण भारत में आरंभ से लेकर अंत तक चंद्र मालिन्यमय रूप में देखा जा सकेगा। भारतीय चंद्रग्रहण अनुसार रात्रि आठ बजकर चवालीस मिनट से शुरू होगा और रात्रि करीब एक बजकर दो मिनट पर समाप्त होगा और इसका मध्यकाल है साथियों दस बजकर तिरपन मिनट पर चंद्रग्रहण की कुल अवधि चार घंटे पंद्रह मिनट होगी चंद्र ग्रहण किन किन राशियों पर दिक्कत करेगा आइए मैं आपको बता देता हूं साल का पहला चंद्र ग्रहण मंगल बुध की राशि परिवर्तन योग के बीच में होने जा रहा है चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा तुला राशि में होंगे इसलिए चंद्र ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव प्रतिकूल रूप में तुला और मेष राशि पर होगा इनके अलावा यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक वृक कर्क और कन्या राशि वालों के लिए असुफलदायी रहेगा इन राशियों को चंद्र ग्रहण के पंद्रह दिनों के बीच काफी तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा चंद्रग्रहण कुल मिलाकर शुभ फलदायी रहेगा मिथुन राशि के जातकों को चंद्रग्रहण के बाद लाभ का अवसर मिलेगा मीन राशि के जातकों को धन का लाभ मिलेगा लेकिन पिता की सेहत और बच्चों को लेकर तनाव हो सकता है कहाँ दिखाई देगा चंद्रग्रहण आइए इसे भी जान लेते हैं इस चंद्रग्रहण को भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी यूरोप एशिया अधिकांश हिस्से ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका और पैसिफिक न्यूजीलैंड अटलांटिका और अट्रांटिका और हिंद महासागर में देखा जा सकेगा तो साथियों ये जो चंद्र ग्रहण है आपको पता ही है कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है यानी सूर्य चंद्रमा की जो युति है इनमें क्या है हमारे शास्त्रों के अनुसार यानी चंद्रमा और सूर्य पे राहु जो है राहु घर्षण करता है यानी चंद्रमा को राहु घर्षित करता है और अपने पौराणिक बदले को लेने के लिए राहु जो है जब अमृत पी रहा था तो चंद्रमा ने सूर्य को इशारा किया सूर्य ने भगवान विष्णु को इशारा किया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन काट दी थी तो उस बदला को लेने के लिए चंद्रमा को राहु घर्षित करता है तो साथियों और इसका ये भी है कि जो है चंद्रमा और सूर्य की युति यानी सूर्य की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ते पृथ्वी का जो है चंद्रमा पे तो उसके युति से जो है ये चंद्र ग्रहण योग जो है बनता है